मुझे पता है मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया, बट वो इसलिए क्योंकि कश्मीर में कुछ ऐसे हादसे हो रहे थे जिससे लोग बहुत डिस्टर्ब थे, तो मैंने सोचा क्योंकि वहाँ पे विंटर भी शुरू हो गया, तो मैंने सोचा कुछ दिनों के लिए मैं श्रीनगर से बाहर निकलूँ और मैं आ पहुंची हूँ राजस्थान। राजस्थान में जयपुर में आज मेरा पहला दिन है और मैंने सोचा कि आप लोग के साथ अपनी यू नो ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करूं। आज पहले दिन पे मैं एक राजस्थानी विलेज में आई हूं राजस्थान के ब्यूटीफुल कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए। एंड मैं कश्मीरी आवाम से ये कहना चाहती हूं कि क्योंकि ठंड वहां शुरू हो गई है और बहुत जल्द चिलाई कलान भी आने वाला है, आप में से बहुत सारे लोग यू ट्राई टू फाइंड प्लेसेस टू गो टू ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर, आप ढूंढते हो ऐसी जगह जहां आप जा सकते हो कुछ दिनों के लिए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है कश्मीर में, तो जयपुर इज द आइडियल प्लेस। मैं आपको बता दूँ इस वक्त शाम के 4 या 5 बजे हैं और इस वक्त इतना खूबसूरत वेदर है, ऐसा लग रहा है कि मतलब एसी ऑन किया हुआ है, अ नेचुरल एसी, इट्स सो ब्यूटीफुल हियर। एंड आज का दिन हम थोड़ा सा राजस्थानी कल्चर में इंडल्ज करते हैं और कल मैं आपको बलून राइड पे ले जाऊंगी। दोस्तों यहाँ आते ही इस मैडम ने मेरा स्वागत किया और इसी तरह से यहाँ पे लोग गांव में इसी तरह से स्वागत करते हैं विजिटर्स का। आइए हम आगे चल के देखते हैं और नज़ारे यहाँ के। खूबसूरत से राजस्थानी विलेज में आई हूँ, ये राजस्थानी घर है मेरे पीछे, ये गुड़ियाएं ऐसे बनाई हुई है जैसे यू नो द रियल राजस्थानी वुमन, इसमें देखो राजस्थानी बैंगल्स पहनी हुई है, पानी दे रही है। इनके कल्चर में ये है कि लोगों को पानी पिलाते हैं बिकॉज राजस्थान इज एसेंशियली अ डेजर्ट प्लेस, तो ये हर किसी विजिटर को हर किसी को इवन अगर इनके पास पानी कम भी हो तो ये उनको पानी पिलाते हैं। और ये देखिए ये एक घर है, मैं इसके अंदर देख सकती हूँ यहाँ पे शायद ये कुकिंग कर रही है डॉल्स। दाल बाटी चूरमा कैसे खाते हैं, ये बाटी है और ये आप देखिए ये है लहसुन की चटनी और ये है दाल। हाय दोस्तों, जयपुर में हॉट एयर बलूनिंग एक बहुत ही मजेदार चीज है करने को और आपको शायद पता नहीं है कि इंडिया में बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ आप हॉट एयर बलूनिंग कर सकते हैं, तो मैं आई हूँ यहाँ पे, हमारा बलून रेडी हो रहा है और हम ऊपर से जो यहाँ का खूबसूरत आर्किटेक्चर है और जो राजस्थान का यूनिक लैंडस्केप है वो हम ऊपर आसमान से देखेंगे, खुले आसमान से, मच अनलाइक द एरोप्लेन्स जो बंद होता है, हम इसमें जाके ऊपर से विल फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द राजस्थानी स्काईलाइन। So let's go for it.
1000 feet above sea level right now, above the ground level. You can see the landscape of Rajasthan. You know, the trees look like they're painted from up here. दोस्तों, मैं आ पहुंची हूँ आमेर फोर्ट. ये फोर्ट बना था ऑल द वे बैक इन द 9th century, ठीक है ना. और तब जो है एलान सिंह चंदा एक मीना ट्राइब के राजा थे और उन्होंने ये फोर्ट बनाया. ये फोर्ट मोआटा लेक के किनारे पे है और वहाँ से उस जमाने में लोगों को वाटर रिसोर्स मिलता था. और इस फोर्ट को सैकड़ों सालों बाद राजा मान सिंह ने जीत लिया बांग्लादेश के राजा जसोर को हरा के. अब राजा मान सिंह की 12 बीवियाँ थी, तो हर एक बीवी का एक रूम इस फोर्ट और पैलेस में है. और उसके अलावा यहाँ पे शीश महल है, दीवान खास है, दीवान आम है, एंड एक सीक्रेट टनल है जो जयगढ़ फोर्ट को कनेक्ट करता है. उन दिनों में ये एक एस्केप रूट माना जाता था. तो इस खूबसूरत आमेर फोर्ट को, जिसका आर्किटेक्चर मुगल और राजपूताना है, इसको हम आज देखेंगे. स्टे ट्यून्ड. तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आमेर फोर्ट जो है वो इतना बड़ा और मैग्निफिसेंट है. इसको चढ़ने के लिए मतलब आप चल के जा सकते हैं अगर आप में इतनी एनर्जी है तो, वरना आप इन फ्रेंडली एलिफेंट्स पे सवारी ले सकते हैं. आपने देखा होगा ये जो स्पॉट है, यहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है. यहाँ से पूरे जयपुर का आप देख सकते हैं, पूरा व्यू दिखता है. इतना खूबसूरत व्यू यहाँ से. के टॉप पे पहुंच चुकी हूँ. जैसे मैंने कहा, यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरा मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेरे पीछे है, दैट इज द शीश महल. तो शीश महल का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है दोस्तों कि राजस्थानी कल्चर जो है, यहाँ के लोगों को हर चीज़ को सजाना, ब्यूटिफाई करना और डेकोरेशन करना ये बहुत ज़्यादा पसंद है. ये इनके कल्चर में पहले से था. तो ये जो शीश महल है, ये एक प्राइवेट स्पेस है जो रॉयल फैमिली यूज़ किया करती थी उन दिनों में. इट्स अ प्राइवेट गैदरिंग हॉल जस्ट फॉर द फैमिली. और इसी कल्चर को इंडिकेट करते हुए यहाँ की जो वॉल्स हैं उसमें मिरर्स गड़े हुए हैं अलग अलग डिज़ाइंस और शेप्स में, ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस में. और बाकी के जो वॉल्स हैं वो मार्बल से बने हुए हैं. तो मिरर्स का होना ये इंडिकेट करता है कि ये लोग कह रहे हैं कि वी आर ऑलवेज रेडी टू लुक इन द मिरर बिकॉज वी आर ऑलवेज सो नीट, टाइडी, ड्रेस्ड अप, लुकिंग गुड, लुकिंग नाइस, एंड इवन द रूम्स आर लुकिंग नाइस, नीट, टाइडी एंड ब्यूटिफाइड. तो ये ही वो कल्चर है जो शीश महल दर्शाता है. सो लेट्स चेक इट आउट. आपको पता है राजस्थान में इतने पैलेसेस हैं कि यहाँ के लोगों को गिनती नहीं पता कि यहाँ कितने पैलेसेस हैं. एनीवे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैलेस है क्योंकि इट्स बिल्ट ऑन वाटर, जैसे आप देख सकते हैं. लेकिन मिस्ट्री ये है कि किसी को पता ही नहीं कि पैलेस किसने बनाया. यहाँ आपको बहुत सारे गाइड्स मिलेंगे और हर एक गाइड एक अलग राजा का नाम लेगा, लेकिन फैक्ट इज नोबडी नोज कि ये ब्यूटिफुल जल महल, विच इज एन आर्किटेक्चुरल वंडर इन द मिडल ऑफ द वाटर, ये किसने बनाया है. लेकिन इतना हमें पता है कि 18th century में सवाई जयसिंह जी ने, हु इज अ राजपूत किंग, उन्होंने इस पैलेस को रेनोवेट किया. दोस्तों,
राजस्थान में शॉपिंग करने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ ये जो राजस्थान है ये इट्स फुल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। यहाँ पे बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट्स आपको मिलेंगी और हैंडमेड चीज़ें बहुत सारी यहाँ पे मिलेंगी एंड कलरफुल चीज़ें बहुत सारी। तो मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस काइंड ऑफ प्रिंट आती है, इसको क्या बोलते हैं, बांधनी प्रिंट, बांधनी, और दूसरी क्या होती है, ये बांधनी प्रिंट है। तो दोस्तों बांधनी प्रिंट में आपको स्कर्ट्स मिलेंगी, आपको स्कार्फ्स मिलेंगे, दुपट्टे मिलेंगे और बहुत सारी लहंगे मिलेंगे। तो मैं ये बांधनी प्रिंट का दुपट्टा है और वो जो मिरर वर्क होता है उसे क्या बोलते हैं, मिरर हैंड वर्क, उसको क्या बोलते हैं, बॉटन। ये बॉटन वर्क मतलब कि जो मिरर वर्क से आप दुपट्टे बनाते हैं या कुर्तीज बनाते हैं। तो ये सारे टिपिकल राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट्स हैं एंड यू मस्ट कम हियर एंड शॉप फॉर हैंडीक्राफ्ट। दोस्तों मैं आ पहुंची हूँ एक और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे और इसको हम कहते हैं जंतर मंतर। तो राजस्थान एक बहुत ही लकी और यूनिक स्टेट है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इससे पहले मैंने आपको आमेर फोर्ट दिखाया था, वो भी एक हेरिटेज साइट है, और ये आप देखिए जंतर मंतर, ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसका ज़रा आप नज़ारा देखिए मेरे पीछे। तो मैं आपको बता दूँ एक्चुअली वॉट इज़ जंतर मंतर। 17th सेंचुरी में बना था, राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह जी ने बनाया था। ये उस जमाने में भी एस्ट्रोनॉमी की तालीम रखते थे और एक उज़्बेक एस्ट्रोनॉमर था उलुग बेग, उससे इंस्पायर होकर उन्होंने इतना बड़ा जंतर मंतर बना दिया। और मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूनिक है, दुनिया में ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स आपको कहीं नहीं मिलेगी एस्ट्रोनॉमी के लिए, जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ की दूरी मेजर करने के लिए और अन्य ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा स्टोन सनडायल आपको मिलेगा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टोन सनडायल। तो आइए हम इस यूनिक नज़ारे को अच्छे से देखें। गैदरिंग्स यहाँ पे हुआ करती थी एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हवा महल इज़ दैट इट्स मेड ऑफ पिंक सैंडस्टोन। और ये जो बनाया गया था इसमें 953 छोटी छोटी विंडोज़ हैं जिनको झरोकियाँ कहते हैं, और इन झरोकियों में क्रिस क्रॉस लैटिस पैटर्न में काम किया गया है। इसका रीज़न ये है कि दोस्तों इट्स नॉट ओनली मुस्लिम्स बट ऑल्सो हिंदूज जो पर्दा किया करते थे एक ज़माने में, खास करके राजस्थान में, यहाँ पे औरतों को अलाउड नहीं था कि वो स्ट्रेट अवे पब्लिक के सामने आ सके। तो इन झरोकियों से, जो हवा महल की झरोकियाँ हैं, यहाँ से बैठकर वो रोड पे होते हुए प्रोसेशंस या फेस्टिवल्स को देखा करती थी। और अनदर यूनिक पॉइंट अबाउट हवा महल इज दैट जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, हवा जिस तरह से यहाँ अंदर आती है वो खुद ब खुद कूल हो जाती है। आप अगर यहाँ मिड समर में भी आएंगे आपको यहाँ गर्मी नहीं होगी। चरण मारी गलिया घूमे रे, सुंदर जोगी रो भेस तुम्हारी चौकट चूमे रे, तू बन चरण मारी गलिया घूमे रे, सुंदर जोगी रो भेस तुम्हारी चौकट चूमे रे, थारे बिना कोई समझ नहीं आए, बिरहारी अग्नि आक सब बुझाए,
राइट नाउ आई एम एट सिटी पैलेस जयपुर. तो इस जगह की खासियत ये है कि जो सवाई जयसिंह जी थे फाउंडर ऑफ द राजपुताना करंट राजपुताना डायनेस्टी उनके डिसेंडेंट आज भी वो है ही एग्जिस्ट एंड ही लिव्स इन दिस पैलेस राइट हियर. जी हाँ सवाई पद्मनाभ सिंह जी हु इज द करंट डिसेंडेंट ऑफ जयसिंह जी ही स्टिल लिव्स इन दिस पैलेस. एंड हमारी कंट्री अब मोनार्की तो रही नहीं, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेसी बन चुकी है, मगर फिर भी राजा पद्मनाभ सिंह को यहाँ के लोग वही प्यार और सम्मान देते हैं जो एक टाइम पे राजपुताना किंग्स को दिया करते थे. एंड अनदर खासियत अबाउट दिस प्लेस इज कि पद्मनाभ सिंह जी यहाँ रहते तो हैं मगर उन्होंने उनका एंट्रेंस अलग है और एक और एंट्रेंस है जहाँ से टूरिस्ट अंदर आ सकते हैं और इस खूबसूरत जगह को देख सकते हैं. यहाँ पे एक म्यूजियम भी मौजूद है ताकि टूरिस्ट अपने कल्चर के बारे में जाने और समझे. तो मेक श्योर यू कम टू द सिटी पैलेस, इट्स वर्थ अ विजिट, इट्स ब्यूटिफुल. एंड हाँ, पद्मनाभ सिंह जी ने एक हिस्सा कुछ रूम्स अपने पैलेस के वो टूरिस्ट को देते भी हैं टू स्पेंड द नाइट फॉर आई थिंक 8,000 to 10,000 rupees पर नाइट और समथिंग लाइक दैट. तो मेक श्योर दैट यू डू विजिट दिस. एंड समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट राजा पद्मनाभ सिंह जी, ही इज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज वर्थ $685 million. So I hope you enjoyed this vlog and this beautiful city of Jaipur. Take care and good luck.